ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि धीमहि तन्नः सत्य प्रचोदयात्। सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि धीमहि तन्नः सत्य प्रचोदयात्। सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि धीमहि Now I request our dear Honorable Chief Minister Shri Raman Singh Ji to come onto the podium and share some of his thoughts. आज मेरा ये सौभाग्य कि आज आपके बीच सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल दो दिन का आपके कॉन्फ्रेंस समापन का एक अवसर और आज सौभाग्यम का लोकार्पण छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के लिए आप सबकी गरिमा में उपस्थिति दो दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ और देश के हेल्थ सर्विस के ऊपर विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी, खासतौर से चाइल्ड केयर पे जो बड़ा काम सत्साई संजीवनी हॉस्पिटल कर रहा है उसको देखा, अनुभव आपने किया होगा। और एक शक्ति, एक ताकत, एक ऊर्जा जो इस स्थान को, इसे मैं जागृत स्थान कहता हूँ, इसको हॉस्पिटल नहीं कहता हूँ, ये तो हॉस्पिटल है पर एक जीवित मंदिर के रूप में इसके अंदर ऊर्जा है। और ये बाबा के आशीर्वाद से ही संभव है, क्योंकि जब श्रीनिवास जी पहली बार मेरे पास आए और इस हॉस्पिटल की कल्पना को उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि इनकी कल्पना है, कागज पे रहेगी, मगर उस कल्पना को साकार करने में मुझे लगा ये दुबला पतला व्यक्ति बेंगलोर से चल के आया है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तो मुझे कई बार लगा कि मैं सुजय जमीन चाहते हैं क्या। तो उन्होंने कहा श्रीनिवास ने मुझे लैंड नहीं चाहिए, इनका प्रोजेक्ट देख के मैंने कहा इस लैंड को मैं फ्री ऑफ कास्ट नया रायपुर में आपको बिना एक पैसे लिए दूंगा, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरे प्रस्ताव। बाबा का आदेश है कि मुफ्त में जमीन नहीं लेना, हम इसका पेमेंट करेंगे। उस दिन मुझे लगा कि ये नहीं बोल रहे बाबा और इनसे बुलवा रहे हैं, जो भी कुछ करवा रहे हैं, तो बाबा का आशीर्वाद। मुझे पूछा जमीन कितने दिन में दोगे आप, मैं कहा अगली बार कब आ सकते हो, बोले एक हफ्ते में, मैं कहा एक हफ्ते में जमीन के पूरे कागजात आपके हाथ में होंगे, आप काम शुरू कर दीजिए। एक प्रॉमिस उन्होंने किया था जो आज तक मुझे याद है, जिस दिन मुझे लैंड आप ट्रांसफर कर दोगे मैं 12 महीने के अंदर ये हॉस्पिटल पूरा करके दिखाऊंगा और 12वें महीने में पहला ऑपरेशन हमको करना है। उस दिन भी लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, 12 महीने में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, अच्छा बिल्डिंग बन भी गया तो ऐसे डॉक्टर की टीम यहां छत्तीसगढ़ के इस नया रायपुर में लाना, मैंने कहा चलिए पूजा तो करते हैं, भव्य पूजा हुआ, मगर जो प्रॉमिस किया था 12 महीने के पूरे होने के साथ ही पहले यहाँ पे सर्जरी का पहला सर्जरी उन्होंने करके दिखाया है, शायद हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ होगा। 12 महीने के अंदर
साल मुख्यमंत्री रहते हैं या दिल्ली में 4 साल सेंट्रल मिनिस्टर था 5 साल, ऐसा सोच ऐसा विजन, और ये सिर्फ बाबा की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव है। ये काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये काम उन्होंने कराया है। ये बात आज आपकी उपस्थिति पूरे देश से, दुनिया भर से डॉक्टर की टीम आई हुई है, बाबा के चाहने वाले यहाँ उपस्थित हैं। जब नया रायपुर की कल्पना इस पूरे इलाके को विकसित करने की हुई, उस समय हमने सोचा नहीं था कि ये चमत्कार होगा, पर उसमें इस स्थान का चयन हुआ और ऑपरेशन का काम शुरुआत होने के साथ साथ इस हॉस्पिटल की कल्पना, जब पहली बार मुझे नक्शा दिखाया गया, हार्ट शेप हॉस्पिटल, दिल का काम ही है, हार्ट का काम ही है, शरीर की पूरी बुराइयों को खराबियों को समाप्त करके शुद्ध रक्त शरीर में प्रवाह करे, और शायद ये न केवल ये हॉस्पिटल शरीर के प्रवाह को ठीक करेगा, वॉल रिप्लेसमेंट करेगा, छोटे मोटे कार्डियक सर्जरी के पूरे काम करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा, क्योंकि ये वास्तु जाने के बाद व्यक्ति को खुद को लगता है कि हम कितने पवित्र स्थान में, और बाबा की उपस्थिति का एहसास यदि किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये स्थान में मैंने उनके दर्शन किए थे, और छत्तीसगढ़ के प्रति इतना बड़ा उनका आशीर्वाद मिलने वाला है, ये मेरी भी कल्पना नहीं थी। आज इस कल्पना को साकार होते हुए देखकर लगता है कि बाबा ने ये बहुत पहले तय कर लिया था, सिर्फ वक्त का इंतजार था, और आज ये संस्थान न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसकी पहचान बनाने में सफल हुआ है। मैं सभी पूरी टीम के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, विशेष रूप से श्री श्रीनिवास चेयरमैन सर साई हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट का, एक बार ताली बजा के उनकी स्वागत आप करें। ये दुबला पतला आदमी क्या कर सकता है, इसने दिखा दिया। और अब मैंने कहा कि अब इसको, उन्होंने कहा और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बाबा यहाँ कराएंगे, माध्यम जो भी हो श्रीनिवास जी तो है, और आप सब की उपस्थिति, और मैं स्वागत करूंगा हमारे जो गेस्ट आए हुए आशिक डिग्रेड की, जिन्होंने आज आपके सामने अपनी बातें अपने डिवाइस के बारे में बताया। श्री नरसिम्हा मूर्ति जो हमारे गेस्ट हैं उनका स्वागत करता हूँ, डॉक्टर शान शेट्टी जो यहाँ उपस्थित है, मधुसूदन नायडू जो हमारे गेस्ट हैं, रामानंद चंद्रन और श्री अरविंद और सारे डॉक्टर, सारे स्टूडेंट्स, सारे गेस्ट जो यहाँ आए हुए हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि आपकी उपस्थिति में ये छत्तीसगढ़ का ये केंद्र तेजी के साथ विकसित हो रहा है, और इतने कम समय में 2000 से ज़्यादा यहाँ पे बच्चों के सर्जरी हो चुके हैं, 6000 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे परीक्षण किया गया है, और 10 दिन से लेकर 2 साल 3 साल के बच्चे सुदूर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बलरामपुर से लेकर हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान के राज्यों के साथ पाकिस्तान बांग्लादेश और अन्य देश से भी बच्चे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर का ये केंद्र हमारा स्थापित हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसकी पहचान बन चुकी है, हिंदुस्तान के बाहर के लोग पिछली बार आए थे, पाकिस्तान के हमारे बच्चे आए थे जिनको ऑपरेशन हुआ, जिनको यहाँ पे इनकी सर्जरी हुई, और यहाँ के डॉक्टर, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि डॉक्टर को तो ऐसे कहा जाता है कि ईश्वर का रूप है डॉक्टर, जो काम करते हैं लोगों की जान बचाते हैं, और यहाँ काम करने वाले डॉक्टरों को मैं कह सकता हूँ जिनको आपको नमस्कार नहीं, उनके पैर भी छू सकते हैं, वो इतने बड़े काम कर रहे हैं, इतने जिनको करोड़ों रुपये का पैकेज मिल सकता है दुनिया के किसी हॉस्पिटल में, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर यहाँ निःशुल्क आके रायपुर के इस कोने में छत्तीसगढ़ में घर परिवार से दूर लोगों की सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, ये उनके ऊपर
बाबा के निश्चित रूप से कृपा है कि इतने बड़े काम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उनका सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहता हूँ। उनके जो यहाँ रुक के छत्तीसगढ़ में दूर दूर से हजार किलोमीटर दूर से चल गया है और यहाँ पूरा समय दे रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए भी आप एक बार ताली बजा के समय आज जागृत हुआ। मुझे लगता है कि अध्यात्म अध्यात्म तपस्या ये तो सब हिंदुस्तान के रगों में है, परंपरा में है, हजारों साल की हमारी परंपरा है। और उस परंपरा के सबसे जीवित संत के रूप में जो आज हमारे बीच नहीं है पर उनका एहसास है, ये कल्पना नहीं थी कि फूटाफट्टी से चल के छत्तीसगढ़ के इस कोने में उनकी इतनी बड़ी कृपा छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। सौभाग्य उनका जो हॉल मेडिटेशन का जो सेंटर बना है वो भी अपने आप में अलौकिक है। उस स्थान में जाने से ही आपको एहसास होगा बाबा की ऊर्जा का, बाबा के हस्ते का। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ नया रायपुर, जब हमें स्मार्ट सिटी के रूप में रायपुर और नया रायपुर को विकसित करना चाहते हैं, 21st सेंचुरी का पहला कैपिटल जो न केवल फंक्शनल हो चुका है बल्कि जैसे ही इस स्थान में इस हॉस्पिटल के रूप में विकसित हुआ, नया रायपुर के विकास में एक लंबी छलांग लगी। अब यहाँ हम जंगल सफारी डेवलप कर रहे हैं, 600 एकड़ का बॉटनिकल गार्डन 600 एकड़ का कर रहे हैं। आईटीआईटीज और इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियाँ छत्तीसगढ़ में आ रही है और उसके साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे IIIT और यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान आ गए हैं। ये चमत्कार धीरे धीरे अब हमें भी एहसास हो रहा है कि जिस स्थान को विकसित करने के लिए हम रात और दिन सोते नहीं थे, बाबा की ऐसी कृपा है कि लोग हम आने लगे हैं और हमको देश का सबसे बेहतर 21st सेंचुरी का हरा भरा ग्रीन इको फ्रेंडली और वर्ल्ड क्लास कैपिटल के रूप में विकसित होने में अब हम आगे बढ़ गए हैं। और ये निश्चित रूप से इसके पीछे बाबा का आशीर्वाद है, उनकी उपस्थिति है। और आज फिर से मैं एक बार आप सभी का जो यहाँ आए हुए हैं, जिन मरीजों को यहाँ पे लाभ मिला, जिन बच्चों को यहाँ पे नई जीवन मिली, मंदिर तो सभी जाते हैं, हमारे ये मंदिर आपके चेहरे में मुस्कुराहट आती है, रोते भी आते हैं, चलने की ताकत नहीं होती पर ये स्थान है, यहाँ से दौड़ते हुए मुस्कुराते हुए खिलकारी मारते हुए बच्चे जाते हैं। ये इसी का स्थान का महत्व है। 2500 लोग जो कभी सर्जरी करा नहीं सकते थे, 1.5 लाख 2 लाख रुपये की राशि खर्च करके, कभी वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि उन्हें निःशुल्क इलाज हो सकता है और ये संभव हुआ। न केवल उन्हें इलाज मिला और दवा के साथ कहा जाता है कि दुआ होनी चाहिए, ये ईश्वर की कृपा से बाबा की दुआ भी उनको मिलता है, जल्द वो ठीक होते हैं। और सब मिलके इस सेंटर को विकसित करने के लिए और इसका नाम जब रखा गया था सत साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, तो मैंने कहा हेल्थ का काम तो हो गया है, एजुकेशन ट्रस्ट का नाम का एक हिस्सा बाकी है। तो मैंने आज श्रीनिवास से कहा कि इतने बड़े बड़े संस्थान बाबा के नाम से एजुकेशन के चल रहे हैं, तो ये हेल्थ के साथ एजुकेशन का भी एक इंस्टीट्यूट यदि आ जाए। आपने हेल्थ के लिए तो मुझसे जमीन नहीं मांगी थी, आपने पूरा पैसा दिया था, मगर एजुकेशन के लिए हम आपको निःशुल्क जमीन दे देंगे। तो हम लैंड देने को तैयार है और एक अच्छा एजुकेशन का जो आप इंस्टीट्यूट यहाँ पे जिस रूप में भी बाबा का आशीर्वाद होगा, क्योंकि मेरा संदेश मेरी बात उन तक तो पहुंच गई होगी, उनके लिए माइक की जरूरत नहीं रहती, वो दिल की बात समझते हैं क्योंकि दिल का हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा दिल वाला श्रीनिवास यहाँ बैठा हुआ है, इसका दिल बहुत और बाबा का आशीर्वाद आप सब पर इस संस्थान पर बना रहे, छत्तीसगढ़ शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़े। मुझे बुलाया गया, सम्मानित किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य